दोस्तों नमस्कार। माहे रमजान की हम सबों को हार्दिक बधाई। कल से रमजान शुरू हो रहा है, कल पहली सहरी है और अब से 30 दिन तक एक बहुत ही खास तरीके से इस महीने को लोग जीते हैं। ये महीना काफी पाक माना जाता है और इसे माफी का महीना भी माना जाता है। कहा जाता है कि आपने जितनी भी गलतियां की है, अगर इस खास महीने में आपने अपनी उन गलतियों के लिए माफी मांगी तो आपकी वो गलतियां भी माफ हो जाती है और खासकर इस महीने में दुआएं बहुत कबूल होती है, वो भी खासकर इफ्तारी के वक्त। मुझे ये महीना खासकर बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज यहाँ एक बहुत ही अलग सा सेल्फ कंट्रोल देखने सीखने को मिलता है। बिकॉज 30 दिनों तक का जो कंट्रोल, जिस तरीके के कंट्रोल के साथ लोग रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड जो दूसरी चीज है, यहाँ जो ज़कात निकाली जाती है, यानी कि अपने पूरे साल की इनकम का 2.5% निकाल के अपने से कम वालों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो लॉजिक ये है कि कोई गरीब ना रहे, किसी को कष्ट ना हो, सो जितना हो सके अपनी कमाई से लोगों की हम हेल्प कर पाए। सो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये दोनों ही चीजें इस रमजान महीने की। एंड रमजान के बाद जब चांद दिखता है और ईद आती है तो ईद इस खुशी में मनाई जाती है क्योंकि माना जाता है कि रमजान का महीना अल्लाह का महीना है और इस पूरे 30 दिन को उन्होंने अल्लाह के हिसाब से जिया, तो इस खुशी में लोग ईद मनाते हैं। और ईद की सेवैयां मुझे तो बहुत पसंद है, डेफिनेटली आपको भी बहुत पसंद होगी। तो हम सबों को ईद का इंतजार है। आप सबों को एक बार फिर से रमजान की हार्दिक बधाई।